अभी आप देखो, ये देखो, ये प्राइस कितना है अभी? 86 है, ठीक है। किसका? ये आपका गुआवा का, ठीक है। ये आपका एप्पल गोल्डन है, ठीक है। इसका प्राइस है 84। बिल आपने जो काटा है यहाँ देखो, एप्पल गोल्डन का आपने काटा है 93। यहाँ पे इतना एप्पल गोल्डन का है 84। जो मशीन है ना हमारी, प्राइस बताओ आप भैया। सर मेरी बात तो सुनो, जो मशीन है उसमें प्राइस अपडेट नहीं है। जो हमारे प्राइस अपडेट है ना, वो सिस्टम पे है। तो क्यों नहीं अपडेट है? वहाँ पे जो लगा हुआ ना साइनेज, उसमें देखी ना, उसमें साइनेज उसके अकॉर्डिंग आपने ये काट के दिया। 84 मुझे चार्ज होने चाहिए थे। साइनेज है ना वो, उसमें आप मेरे को ये बताओ, ये 84 रुपीस चार्ज होने चाहिए थे? ये अगर स्लिप दिए इसके बेसिस पे करते हो ना, स्टिकर जो है ना इसमें प्राइस अपडेट नहीं है। जो प्राइस अपडेट है तो यहाँ क्यों फिर आपने दिया ये स्टिकर? लिखा हुआ है ना स्टिकर में, तो है जो लिखा हुआ है सर, वहाँ पे साइनेज देखिए, साइनेज में लिखा हुआ है। मैं साइनेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ कस्टमर बाय करते हैं, हम जब पीएलयू पे होते हैं ना समझाते हैं। मेरी बात सुनो, बताइए, आप जब ये स्टिकर जनरेट करते हो अपने सिस्टम में, वेट के हिसाब से करते हो ना, साइनेज के हिसाब से करते हो या नहीं करते? आप साइनेज के हिसाब से करते हो या नहीं करते? वो एरर आ रहा है, जो साइनेज है ना प्राइस देखो लगे हुए उस पे। अब चेक करिए साइनेज का प्राइस, साइनेज का प्राइस सिस्टम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? वो एरर आ रहा है, क्यों नहीं है? तो मना कर देना चाहिए था देने से कि भैया अभी एरर है, अभी अपग्रेड हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम नहीं दे सकते। सर, जो प्राइस है वो अगर तो मैंने नहीं देखा होता तो मैं ये प्राइस डिफरेंस लेके चला गया। हमारी डिफरेंस नहीं है सर, प्राइस हमारा डिफरेंस है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला जो आर्टिकल है वहाँ पे क्या रेट लगा हुआ है, उसी के बिहाव पे आपको दिया जो वहाँ पे रेट लगा हुआ है, वो सिस्टम में रेट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? सिस्टम में वो सर अपडेट करवा रहे हैं इसको हम, तो जब तक अपडेट नहीं होना चाहिए आपको बिल काटना चाहिए था। सर हम जो वहाँ पे साइनेज लगा हुआ है, बिल्कुल बड़ा बड़ा साइनेज लगा हुआ है, उसी साइनेज के बिहाव पे अमाउंट आपको ये लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन तो फिर यहाँ पे कैसा डिफरेंस है? डिफरेंस अगर उस वाले रेट के हिसाब से अगर ये बेट करोगे ना तो इक्वल अमाउंट आएगा। सर मैं बता दो रहा हूँ इसका कि अपडेट नहीं हुआ है सर अभी, तो आपको बिल काटना चाहिए था जब तक अपडेट नहीं होता। सर बड़ा बड़ा आपको रोक देना चाहिए ना। हाँ ये थोड़ा सा ये भैया सिस्टम में अभी अपडेट नहीं हो रहा है, ये प्राइस नहीं है, इसका प्राइस अलग है, अपडेट होने के बाद इसको काट के देंगे। सर जो वहाँ पे आपका साइनेज बड़ा बड़ा लगा हुआ है, उसी के बिहाव पे आपको रेट लगा हुआ है, ठीक है। इसके बिहाव पे नहीं लगा हुआ है आपको 86। अरे आप मुझे सिंपल सी बात बताओ यार, जो साइनेज का प्राइस है वो आपके सिस्टम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिस्टम का प्राइस क्यों आ रहा है? अपडेट नहीं हुआ है सर, ये अपडेट नहीं। आप इसमें देखे ना, ये आपने पर्ची काट के दी ना मुझे, जो आपने मुझे ये काट के दी, वहाँ से बाई करा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे आप समझना नहीं चाह रहे, इसके अकॉर्डिंग नहीं है प्राइस, उसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है सर। ये जो ये आप अंदर तो आइए, आप अंदर आइए, मैं आपको अंदर दिखला दूँ, आप यहाँ से नहीं समझ पाएंगे सर। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ गया। 10 बार आता हूँ इस बात, 10 बार ऐसे इशू होते हैं, ठीक है, और मनोज बहुत अच्छे से जानता है इस चीजों को। 10 के 10 बार आता हूँ मैं, 10 के 10 बार ये इशूज होते हैं। ये स्कैम है, स्कैम, ये स्कैम है, ये पूरा स्कैम है। जो आपका साइनेज पे प्राइस है ना, वो सिस्टम में प्राइस होना चाहिए था। जो ये स्लिप जनरेट होती है ना, ये सिस्टम से जनरेट करते हो आप, तो प्राइस वही आना चाहिए था जो साइनेज का प्राइस है। अभी आप कह रहे सिस्टम अपडेट नहीं था, क्यों नहीं था अपडेट? 219 रुपए किलो है वो साइनेज पे लगा के है, 1000 रुपए किलो प्राइस, इसका सिस्टम में अपडेट क्यों नहीं था? और अपडेट नहीं था तो फिर आप कैसे बिल काट रहे थे? मतलब ये क्यों बना रहे थे फिर? आपको मना करना चाहिए था ना कस्टमर को कि भैया अभी मैं नहीं दे सकता, अभी अपडेट नहीं है, अपडेट होने के बाद सिस्टम फिर हम देंगे आपको सामान। आपने पहले कैसे दे दिया बिना अपडेट किए? क्यों काटा? आप मेरे सवाल का जवाब दो ना। समझने नहीं चाह रहे उस चीज को, आप जवाब दो। मैंने आपको 219 रुपए किलो के हिसाब से ही दिया सर। आप मेरा प्राइस 219 रुपए साइनेज पे लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है। सिस्टम में अपडेट नहीं था, था या नहीं था? ये एरर है सिस्टम में, एरर है, एरर है, एरर है, पर एरर जो है। हमारा लिखा हुआ है ना सर, आप कह रहे हो ना एरर है, इसमें लिखा हुआ है। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो एरर है, A3 का जो बड़ा बड़ा साइनेज है 219 ऑलरेडी लिखा हुआ है सर, ये एरर है या नहीं? सर, ये वाला एरर है, ये एरर है ना, हिसाब से नहीं है। आपने क्यों दी ये पर्ची फिर एरर वाली मुझे? सर वो क्या नाम है, मेरे को क्यों दी एरर वाली पर्ची? सर हमारा ऑलरेडी मना कर देना चाहिए था, काउंटर इज क्लोज्ड, या फिर अभी नहीं कर सकते? A3 पे लिखा हुआ है 219 रुपए किलो, आपने मुझे एरर वाली पर्ची क्यों दी, आप ये बताओ। सर इसके लिए तो सर जो हमारा सिस्टम है वो उसके एरर है, ये चीज मैं मानता हूँ, पर जो हमारा वही ना, तो आप मुझे क्यों दे रहे हो? स्कैम है, यही तो स्कैम है कि वो एरर है, उसमें एरर वाली पर्ची कस्टमर को क्यों दे रहे हो? आईटी वाले सर ने बोल रखा था, पर वो एरर अभी सही नहीं हो रहा, कस्टमर क्यों बियर कर रहे हैं ये चीज? कस्टमर क्यों बियर कर रहे हैं? आपके आईटी का इशू कस्टमर क्यों बियर कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? सोमनाथ। आप कौन से डिपार्टमेंट से? इसी डिपार्टमेंट से। इसी क्या डिपार्टमेंट का नाम बताओ ना। FNB, ठीक है।
तो अभी आप बताओ क्या होगा इसका। सर बताने की बात ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे बात को। मैं समझ गया हूँ, गलती आपकी है, आपकी गलती है। आप मुझे स्टिकर एरर वाले स्टिकर क्यों दे रहे हो? आपके आई टी वाले का इशू मैं क्यों बियर करूंगा एज अ कस्टमर? मैं बुला के ला रहा हूँ, ठीक है, मैं बुला के